मॉनसून की देरी की वजह से एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में अगर बात करें तो मॉनसून के आने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून में देरी और तपती गर्मी झेल रहे उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राज्यों के अगले दो दिन और मुश्किल रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अगले दो दिन तक भीषण लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से चल रही गर्म पछुआ हवाएं चलने से के कारण इन इलाकों में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। बता दें कि इन राज्यों में तपस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मानसून की पहुंचने से देरी हो सकती है। मौसम विभाग पिछले दो हफ्ते से कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून के पहुंचने में देरी होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि अगले 24 घंटे में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज गरज और चमक देखी जा सकती है। गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इसके बावजूद लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है।